रीवा में केके कार बाजार के संचालक पर जानलेवा हमले के मामले में पीड़ित की पत्नी ही गोलीकांड की मास्टरमाइंड निकली। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों एक गोलीकांड का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें केके कार बाजार के मालिक के ऊपर गोली चली थी, जिससे कार बाजार के मालिक के हाथ में गोली लगी, जिसको रीवा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में विश्वविद्यालय पुलिस ने विगत 5 दिनों के अंदर गोलीकांड के आरोपियों को ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि कार बाजार की पत्नी ही इस गोलीकांड में मास्टरमाइंड रही। मामले में पुलिस ने सकीना बेगम पति कातिल हुसैन रेहान खान व एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है। थाना विश्वविद्यालय के खुटेही मस्जिद के सामने एक गोली चलाने की घटना हुई थी, जिसमें एक कार बाजार केके कार बाजार का संचालक जो है कादिर हुसैन, वो जब अपनी 4-व्हीलर जा रहा था तो उसको गोली हाथ में लगी थी, और जिसमें फिर पुलिस ने 307 जो पुरानी धारा 109 BNS के अंतर्गत इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया था और विवेचना में लिया गया था। तत्काल ही उसमें हमने टीम्स वगैरह लगाई थी, साइबर की और अन्य सपोर्टिंग टीम्स हमारी थाने की, बाकी थानों की भी टीम्स इसमें लग गई थी, और कुछ फुटेज वगैरह भी मिले थे, और बाकी जो फरियादी था, जो आहत था, उसके भी कथन वगैरह लिए थे, बाकी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी कथन लिए थे, और जिसके आधार पर फिर हमको कुछ जानकारी लगी, कुछ मुखबिर सूचना लगी, और जिसके आधार पर फिर जो आहत है कादिर हुसैन, उसके जो पत्नी है सकीना, ये पता चला कि सकीना के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया था। सकीना ने एक रेहान नाम के अपराधी, जो कि वहीं घोघर का ही रहने वाला है, उसको ये इस प्रकार से हमला करके मर्डर करने का प्लान किया था, और जो कारण जो बताया है कि जो आहत है, जो फरियादी है, वो संभवतः शायद दूसरी शादी करने जा रहा है, और जिससे सकीना और उसके बीच में विवाद हुआ है, और जिसके बाद सकीना इस प्रकार से घटनाक्रम प्लान किया है।